अच्छा, जो टेस्ट आया था एनटीएस का, वो आउट ऑफ सिलेबस आया था सारा, लाइक रिपीट नहीं हुए थे एमसीक्यूज उसमें? नहीं सर, कोई भी रिपीट नहीं हुआ। और जो उन्होंने वो कंटेंट दिया था ना, शेयर किया था हाँ कि सब्जेक्ट 5 से 6, और उसमें उनमें से भी नहीं था। मतलब भी डीसी और एसी मशीन को बिल्कुल नहीं हाथ लगाया, ना ट्रांसफार्मर को हाथ लगाया। और ओहम्स ला और इलेक्ट्रिक सर्किट को भी हाथ नहीं लगाया, और कंट्रोल सिस्टम को भी नहीं हाथ लगाया। बस अजीब से थे सारे, न्यूमेरिकल न्यू थे। और ये छोटे भी नहीं थे, बड़े बड़े, यानी कि कब बड़े बड़े स्टेटमेंट थी उनकी, इस तरह अच्छा, किया। न्यूमेरिकल ज्यादा थे कि नहीं? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नहीं सर, थ्योरी थी, थ्योरी अच्छा थ्योरी थी। जी। तो टॉपिक्स कौन कौन से थे वैसे? टॉपिक्स सर मैंने तो पहली दफा ही पढ़े थे। एक मुझे अभी रिमेम्बरिंग मैंने कोशिश की थी, लेकिन अच्छा मुश्किल थे वो, टफ थे जी। लाइक एनटीएस नाउ, आई थिंक अपना डेटाबेस अभी चेंज कर दिया उन्होंने, मेरा ख्याल में। पॉसिबिलिटी है। अच्छा, इनका इस तरह नहीं होता, ये तो वैसे दे देते हैं कंटेंट, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट नहीं बनाते? जी ऐसा है, ये तो मुझे पहले था कि उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि ऐसा नहीं होता। ये बस जहाँ से दिल करे वहां से बना लेते हैं। जी अच्छा, सो टुडे वी विल, अच्छा लास्ट जो हमने पढ़े थे उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो नहीं था? ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द थ्री फेस सर, ये रखता जी, थ्री फेस ट्रांसफार्मर आज हमने स्टार्ट करने हैं, थ्री फेस ट्रांसफार्मर को। और हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था वन फेस ट्रांसफार्मर, हमको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े थे। वन फेस ट्रांसफार्मर का जी। एफिशिएंसी भी हमने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा था, और इसके कैलकुलेशन, आउटपुट वोल्टेज आपने किस तरह फाइंड करने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हमने डिस्कस किए थे। इनके लॉसेस क्या होते हैं, वो सारे लॉसेस भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इन टुडे क्लास वी विल स्टार्ट द थ्री फेस ट्रांसफार्मर। ओके, तो इसको मैं आज कंप्लीट, ये दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, देन आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट दी एमसीक्यूज। अच्छा, वन फेज ट्रांसफार्मर की अगर आपको समझ आ गई, तो इट मीन्स कि आपको थ्री फेज की ट्रांसफार्मर भी समझ आ गई। वन फेज ट्रांसफार्मर मीन्स कि आप इस तरह कह लो, थ्री फेज ट्रांसफार्मर हम क्या कहते हैं कि हम थ्री वन फेज ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, सही है? थ्री ट्रांसफार्मर ले लो आप सिंपल, सही है, और उनको कनेक्ट कर लो, सही है, तो उससे आपके ठीक पास है। थ्री फेज ट्रांसफार्मर आ जाएगा। या तो आप इस तरह कह लो कि थ्री ट्रांसफार्मर ले लो, ओके, इस तरह अलग अलग से, और उससे आप थ्री फेज बना सकते हो, सही है। इनके जो कनेक्शन होते हैं, दो यहाँ से निकलेंगे, दो कनेक्शन यहाँ से निकलेंगे, दो यहाँ से निकलेंगे, दिस इज़ द आउटपुट, ये ठीक इसका आउटपुट होगा, ये इसका आउटपुट होगा। अब अगर ये ट्रांसफार्मर आपका वाई डेल्टा ट्रांसफार्मर है, ओके, आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर में आपके डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। एक आपका वाई डेल्टा होता है। है, एक आपका डेल्टा वाई होता है, एक आपका वाई टू वाई होता है, एक आपका डेल्टा टू डेल्टा होता है। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर के टाइप्स, दिस इज़ बेस्ड ऑन द कनेक्शंस, कनेक्शन के बेस पे होते हैं। तो लेट्स से हम इसको ले लेते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर, इसका जो प्राइमरी होगा दैट शुड बी वाई, और सेकेंडरी इसका डेल्टा होगा। तो वाई का जो कनेक्शन आपने करना है, तो वाई का कनेक्शन आपने इस तरह करना है कि इनके यहाँ से आपके पास एक आ जाएगा वन फेज, सेकंड फेज ये आ जाएगा, थर्ड फेज आपको ये आ जाएगा, जो इसका एक होगा, दिस इज द वाई कनेक्शन। ओके, ये आपका अर्थ हो जाएगा, न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल, दिस ठीक इज रेड येलो ब्लू, सही। तो ये इसके वो कनेक्शंस हो गए, सी थ्री फेज हैं। अच्छा, दिस इज वाई, ओके, अब यहाँ पे डेल्टा होगा, दिस इज वाई, ये वाई कनेक्शन मैंने के लिए, तो वाई कनेक्शन आपने इस तरह करने हैं। ओके, डेल्टा के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से एक कनेक्शन आ जाता है, इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से एक कनेक्शन आ जाता है, फिर इनको
यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कनेक्शन आ जाते हैं। तो दिस इज ओके रेड येलो ठीक है। एंड दिस इज ब्लू, ओके। तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया। तो ये इस तरह अभी आप कर सकते हो कि तीन अलग अलग ट्रांसफार्मर ले लूँ, ठीक है। और इस तरह भी कर सकते हो कि एक ट्रांसफार्मर से आप उसमें आप कनेक्शन कर लो, वाइंडिंग इस तरह कर लो कि वो आपको थ्री फेज दे। तो यहाँ पे आपके पास जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होगा उसमें आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरह मिलेंगे। ये आपका डेल्टा हो गया और ये आपका वाई हो गया। तो ये इसका न्यूट्रल हो गया, बाय जो टर्मिनल आते हैं ये इसका रेड हो गया, येलो हो गया और ब्लू हो गया, सही है। और यहाँ पे ये रेड येलो एंड ब्लू हो गया। तो एक ट्रांसफार्मर, दिस इज थ्री फेज ट्रांसफार्मर, सही है। ओके या इसको हम ट्रांसफार्मर बैंक भी कहते हैं, ओके ठीक है सही है। इसको हम वन थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं और इसको हम ट्रांसफार्मर बैंक कहते हैं, ओके ट्रांसफार्मर बैंक, ओके या ट्रांसफार्मर बैंक, ओके। लाइक थ्री अलग अलग ट्रांसफार्मर आपने कनेक्ट किए हुए हैं एक दूसरे के साथ और उससे वन फेज ट्रांसफार्मर से आपने थ्री फेज बनाए हुए हैं, ओके। लाइक दिस इज वन फेज ट्रांसफार्मर, दिस इज वन फेज ट्रांसफार्मर, सही है। अच्छा, इसके अब हम मोस्टली प्रैक्टिकली जो भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर मिलेगा वो आपको ये वाला मिलेगा, ओके। दिस इज प्रैक्टिकली हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, ओके। जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं और आपको आपके सामने दो चीज़ें आ जाती हैं तो उसमें हम फिर वो कंपेरिजन करते हैं, ओके, प्लस माइनस पॉइंट्स को देखते हैं। तो जिस जो जो चीज़ आपके पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो हम उसको प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे भी देख लो, तो एक्चुअली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये हैवी वेट है, ओके। लाइक थ्री अलग अलग ट्रांसफार्मर आपने यूज करने तो हैवी वेट हो जाएगा उससे। एंड दिस इज लाइट वेट, ये तो लाइट वेट है, ओके। इतना एक ही वो आपको बॉक्स चाहिए होगा, उसमें आप थ्री वाइंडिंग्स कर लो और वहाँ पे आपको थ्री अलग अलग से बॉक्स चाहिए होंगे जिसकी वजह से आपका वेट थोड़ा बढ़ जाते हैं, सही है। दूसरा ये कि इट विल ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस या लार्ज स्पेस को ये कवर करेगा, जबकि ये इतने लार्ज स्पेस को नहीं कवर करेगा, ओके। या कॉस्ट कवर लेस स्पेस, ओके। अच्छा, इसमें तीसरा जो डिसएडवांटेज, इसका कॉस्ट जो होता है वो आपका ज्यादा होता है, इसका कॉस्ट कम होता है, सही है। कॉस्ट इसका 20% कम होता है एज कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर, सही है। अच्छा, तो इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर, वो हम नॉर्मली लाइफ में वो हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, सही है। फॉर लार्ज पावर ट्रांसमिशन, जो आपके बड़े बड़े ट्रांसमिशन होते हैं वहाँ पे हम अक्सर ये यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अच्छा अब आ जाते हैं इसके कनेक्शन की तरफ कि इनके कनेक्शन सामने किस तरह करनी है। तो अच्छा, आप इस तरह कर लो या इस तरह यहाँ पे देख लो, इसके वो दिस इज द प्राइमरी साइड, दिस इज आल्सो द प्राइमरी साइड, दिस इज द प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड जो ये एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट कर लो, ओके। तो ये थ्री कोर्स ले लिए आपने, थ्री कोर्स, और थ्री कोर में आपने इस तरह कर लिए कि प्राइमरी साइड कनेक्ट, यहाँ पे भी प्राइमरी, यहाँ पे भी प्राइमरी, ये जो सेकेंडरी साइड है उसको आप एक दूसरे के साथ लिंक कर लो, इंटरकनेक्ट कर लो इस तरह से, ये ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका जो थ्री फेज करंट इसमें जाएगा, ट्रांसफार्मर में थ्री फेज करंट फ्लो हो गया, सही है। तो हमें पता है कि हम आपका जो थ्री फेज करंट होता है वो आपका होता है लाइक अगर ये आपका आई आर है, ये आपका आई वाई है, तो ये आपका आई जेड होगा, सॉरी ये आपका आई बी होगा, सही है। तो 120 डिग्री एंगल पे होंगे एक दूसरे से, सही है। अच्छा, इनको अगर आप सम कर लो, इनको अगर आप ऐड कर लो इन तीनों करंट्स को, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, आपको जो नेट करंट होगा वो आपको जीरो मिलेगा,
सही है। तो आपका जो करंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्लक्स। ओके, तो आपका जो करंट होता है, तो करंट जब जीरो होगा, नेट करंट जब जीरो होगा, थ्री फेज के जो नेट करंट होता है वो जीरो होगा, तो इट मींस कि आपका जो नेट फ्लक्स होगा वो भी जीरो होगा। सही है, लाइक आपका यहाँ से फ्लक्स जाएगा, सही है, इसमें आएगा, इस तरह यहाँ से फ्लक्स आएगा, यहाँ से भी फ्लक्स आएगा इस तरह। तो यहाँ पे आपका इस रीजन में आपका जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। ये करंट की वजह से, क्योंकि नेट करंट हमारा जीरो है। या नेट करंट आपके जीरो होता है, तो करंट की वजह से आपका फ्लक्स भी होता है ना। ओके, ठीक है। तो उसी वजह से आपका जो होगा, जो मिड रीजन है वहाँ पे आपका फ्लक्स जीरो, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो नेट फ्लक्स आपको जीरो मिलेगा वहाँ पे। ओके, सही, ठीक है सर। या तो अब हम इस तरह क्या कर लेते हैं, अब हम अगर मैं इसको इस तरह कर लूं, यहाँ पे वैसे भी फ्लक्स जीरो है, तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि एक ये ले लेता हूँ, फिर ये ले लेता हूँ, और फिर ये ले लेता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ। सही है, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ सेंट्रल रीजन को, क्योंकि यहाँ पे आपका फ्लक्स जीरो है, तो इससे आपका ये बन जाएगा। ओके, ठीक है, सही है जी। जी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हमें फ्लक्स का रिटर्न पाथ मिलता था, इस तरह फ्लक्स जाता था और इस तरह आता था जी, इस तरह इसका फ्लक्स जाता था और इस तरह आता था, इस तरह यहाँ पे फ्लक्स जाता था और इस तरह आता था, रिटर्न पाथ इसके थ्रू हमें मिलता था। लेकिन यहाँ पे आपका फ्लक्स जीरो हो रहा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स, नेट फ्लक्स आपका जीरो हो रहा है, तो इसको ये वैसे एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो इसको हमने निकाल लिया, तो यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे अब बात बनती है कि रिटर्न पाथ कहाँ कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे जब इसमें इस तरह फ्लक्स फ्लो होगा, ओके, थ्री फेज में क्या होता है, एक फेज में करंट होते हैं, दो फेज जो होते हैं वो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं, फिर सेकंड फेज में करंट होता है और बाकी दो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं, फिर थर्ड फेज में करंट आता है और बाकी दो उसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे जब करंट होगा तो यहाँ से फ्लक्स आपका इस तरह जाएगा, यहाँ पे करंट नहीं होगा तो यहाँ ये इसको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा, ये दो, ये बाकी दो इस इसके फ्लक्स के लिए रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगी। लेट्स से दिस इज फ्लक्स वन, दिस इज फ्लक्स टू एंड दिस इज फ्लक्स थ्री, तो फ्लक्स वन के लिए ये रिटर्न पाथ बनेगा, फिर ये रिटर्न पाथ, ओके, दो रिटर्न पाथ बनेंगे फ्लक्स वन के लिए। ओके, इसी तरह जब ये करंट जीरो हो जाएगा और ये करंट स्टार्ट हो जाएगा, ओके, तो फिर क्या होगा, फिर ये फ्लक्स, इसके लिए ये रिटर्न पाथ भी होगा और ये भी रिटर्न पाथ बनेगा, इस तरह आएगा इसका फ्लक्स, फ्लक्स टू के लिए। ओके, इस तरह ये, सही है, इसी तरह जब ये करंट जीरो हो जाएगा, ये करंट आएगा तो फ्लक्स थ्री हो जाएगा, तो फ्लक्स थ्री के लिए दो बाकी रिटर्न पाथ बनेंगे, इस तरह और इस तरह। सर, ये इनमें इंटरफेरेंस नहीं होगी, मतलब ये जो वन बाय वन फ्लक्स मूव करेगा ना इन पाथ में, अगर साइमल्टेनियसली मूव कर जाए फ्लक्स, फिर नहीं नहीं दोनों नहीं करते हैं वो, एक्चुअली आपका जो थ्री फेज करंट होते हैं वो कुछ इस तरह का होता है, इसका ग्राफ आप देख लो, इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है, सो दिस इज फर्स्ट फेज, ये फर्स्ट फेज हो गया। ओके, ये इसका सेकंड फेज हो गया। ओके, ठीक है, इसका थर्ड फेज हो गया। ओके, और इस तरह बाकी भी आएंगे, इस तरह बनते जाएंगे, सबर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मुझसे अच्छी तरह से मिले। अब यहाँ पे देख लो, ये ग्राफ देख लो, अब जो आपका नेट करंट होगा, नेट करंट कैसे हो गया, इसमें नेट करंट आपका यहाँ से, ये आपका नेट करंट होगा, यहाँ से आएगा, ओके, तो यहाँ पे ये फेज जीरो हो जाएगा, अब इसमें करंट नहीं होगा, अब ये ब्लैक वाले में करंट फ्लो होगा इस तरह। ओके, फिर यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे करंट ब्लैक वाला तो सेकंड फेज को दे देगा,
जी ठीक है, फिर सेकंड जीरो हो फेज, जाएगा। थर्ड फेज ठीक हो जाएगा, सही है। तो ये आपका इस तरह करंट बनेगा, ये थर्ड फेज, फिर फर्स्ट फेज, फिर सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज, इस तरह। तो करंट स्विचिंग होगी, करंट की स्विचिंग होगी। ओके, पहले वन फेज में करंट होगा, सेकंड में नहीं होगा, फिर थर्ड, क्योंकि सेकंड में कम करंट जाए तो फिर सेकंड थर्ड होगा, इस तरह। तो इस तरह आपका करंट स्विच होगा एक दूसरे में, तो वहाँ से आपको फिर वो होगा। तो इट मींस कि यहाँ पे करंट फ्लक्स, इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उसके लिए दो पाते हैं, एक ये पाते हैं, एक ये पाते हैं। इसी तरह इसके लिए भी फिर दो पाते हैं, इसके लिए भी दो पाते हैं। ठीक अच्छा, इसके बाद फिर वो आ जाते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर की। तो हमने सारे वो कनेक्शन पढ़ लिए, उसी तरह कनेक्शन हैं जिस तरह हमने वो वन फेज के लिए किए थे। ओके, वन फेज में प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं इस तरह। लेकिन यहाँ पे डेल्टा वाई वो भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। अब इसमें वो आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जी रेशो आ जाते हैं, के आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, जिसको हम अक्सर एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, सही है। तो ये क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, आपका सेकेंडरी फेज और वोल्टेज होते हैं। ओके, दिस इज वी फेज एट द सेकेंडरी साइड एंड दिस इज वी फेज एट द प्राइमरी साइड। ओके, यहाँ पे आपको लाइन जी वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि थ्री फेज में आपको लाइन वोल्टेज होते हैं और एक फेज वोल्टेज होते हैं। ओके, और इन दोनों का कनेक्शन क्या होता है, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, आपका जो लाइन वोल्टेज होता है वो थ्री स्क्वेयर रूट वी फेज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के लिए आपने लेना है, तो आपने इसको लेना है वी फेज सेकेंडरी डिवाइड बाई वी फेज प्राइमरी। ओके, सर, सेकेंडरी फेज वोल्टेज डिवाइड बाई प्राइमरी फेज वोल्टेज। ओके, अच्छा, ये सा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप इस तरफ कर रहे वो हैं। शो कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। चलें सर, ठीक है। अब आ जाते हैं उसकी तरफ, एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। ए ट्रांसफॉर्मर विल वर्क ऑन एसी ओनली, डीसी ओनली, एसी एज वेल एज डीसी, नॉन ऑफ द अबव, एसी ओनली। या एसी ओनली। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर डैश कपल, इलेक्ट्रिकली, मैग्नेटिकली, इलेक्ट्रिकली एंड मैग्नेटिकली, नॉन ऑफ द अबव, मैग्नेटिकली। या मैग्नेटिकली, ये मैंने डिस्कस भी किया था। ए ट्रांसफॉर्मर इज एन, जी सर, इफ इलेक्ट्रिकली वो कनेक्ट नहीं होते एक दूसरे के साथ। ओके, इसको हम आइसोलेटेड डिवाइस भी कहते हैं। ए ट्रांसफॉर्मर इज एन एफिशिएंट डिवाइस बिकॉज इट इज ए स्टैटिक डिवाइस, इट यूज इंडक्टिव कपलिंग, इट यूज कैपेसिटिव कपलिंग, इट यूज इलेक्ट्रिक कपलिंग, सर, स्टैटिक डिवाइस या स्टैटिक डिवाइस। सो सर वो दैट्स व्हाई डिस्कस किया था फ्रैक्शन लॉस केस आपके जीरो एफिशिएंट। होंगे। हाँ, फ्रैक्शन लॉसेस जीरो होते हैं। यस, वो आपके इसमें जीरो होंगे क्योंकि स्टैटिक डिवाइस है। ए ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी साइड टूवर्ड्स सेकेंडरी, यूजली विद ए चेंज इन फ्रिक्वेंसी, पावर, वोल्टेज, टाइम पीरियड। सर, ये वोल्टेज है, पावर, पावर पी नहीं, ये मैंने इज इक्वल टू आपसे, वी आई। मैंने आपसे डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर के फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। वो हमने स्टार्ट में जब ट्रांसफार्मर चैप्टर स्टार्ट किया था, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े थे। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि फ्रीक्वेंसी जी आपका सेम होगा, पावर भी सेम होगा। ओके, और टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो इट मीन्स को आपका टाइम पीरियड भी सेम होगा, ओके वोल्टेज आपका चेंज होगा, करंट आपका चेंज होगा। ओके ठीक है। पावर क्या होता है, पी इज इक्वल टू आई वी। प्राइमरी साइड पे अगर आपका वोल्टेज हाई है तो इट मींस कि आपका करंट कम है। सेकेंडरी साइड पे अगर आपका वोल्टेज कम है तो इट मींस कि करंट हाई है। तो दोनों स्टेबल होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, ओके द वोल्टेज पर टर्न ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑफ द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डैश द वोल्टेज पर टर्न ऑफ द सेकेंडरी। सर, ये इसमें वो इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए था कि स्टेप अप या स्टेप डाउन, सेम सेम।
दिस इज द सेम, इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. एक्चुअली आपका स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप अप में आपका इट वी टू इज ग्रेटर देन वी वन. ओके यस जी सर, ठीक है. दिस इज स्टेप अप. तो इट मींस कि आपके नंबर ऑफ टर्न्स एट द सेकेंडरी साइड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स एट द प्राइमरी साइड. तो आपके प्राइमरी साइड पे कितने टर्न्स हैं, लेट्स से 5 टर्न्स है, 1 2 3 4 5. सेकेंडरी साइड पे आपके लेट से 10 टर्न्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. या तो यहाँ पे आपने ये बात जहन में रखना है कि वोल्टेज इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, लेट से 1 वोल्ट है, तो कितने वोल्ट हो जाएंगे, 5 वोल्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि सारे वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है, तो 5 वोल्ट हो जाएगा. यहाँ पे भी 1 वोल्ट होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 10 वोल्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द वोल्टेज अक्रॉस वन वाइंडिंग इज सेम. यहाँ पे भी 1 वोल्ट है, यहाँ पे भी 1 वोल्ट है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है. द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर विल विद ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स विल बी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, आइदर हाई और लो वोल्टेज वाइंडिंग, नॉन ऑफ द अबव. सर हाई वोल्टेज वाइंडिंग अभी आपने. हाई वोल्टेज वाइंडिंग, गुड. अ ट्रांसफार्मर डज नॉट पोजेस डैश चेंजिंग प्रॉपर्टी, इंपेडेंस, वोल्टेज, करंट, पावर. वोल्टेज क्यों, वोल्टेज तो आपका चेंज होता है, अप डाउन होता है, करंट भी आपका अप डाउन होता है, इंपेडेंस भी डिपेंड करता है टर्न रेशियो पे, ये भी अप डाउन होता है. ओके ठीक है. टर्न रेशियो पावर आपका सेम होगा दोनों पावर. द आयरन कोर इज यूज्ड टू डैश ऑफ द ट्रांसफार्मर, इंक्रीज द वेट, प्रोवाइड टाइट मैग्नेटिक कपलिंग, रिड्यूस कोर लॉसेस, नॉन ऑफ द अबव. ये भी मैं पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि आप कोशिश कर लिया करो कि कोई कोर यूज कर लिया करो, इस तरह नहीं करना कि ट्रांसफार्मर को आपने ईयर यूज नहीं करना. जी सर, वो एयर में आपने कहा था लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं. यस, उसमें आपके लीकेज लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं, लीकेज लॉसेस ज्यादा. तो सर इसमें फिर हम ऑप्शन 3 करेंगे सिलेक्ट. कोर लॉसेस क्या होता है, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस होते हैं. जी तो ये तो हम दूसरे तरीके से इसको कम करते हैं. ओ ठीक है, ठीक है सर. तो क्या होगा इसमें सर, ये मैग्नेटिक कपलिंग. या मैग्नेटिक कपलिंग, टाइट मैग्नेटिक कपलिंग. एक्चुअली यहाँ पे आपका फिर क्या हो जाता है, रिलक्टेंस आपका जीरो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. जब रिलक्टेंस कम होगा तो फिर आपका फ्लक्स इजीली फ्लो करेगा. ओके, कपलिंग टाइट होगी फिर. ठीक है. ट्रांसफार्मर कोर हैज एयर गैप, देन रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज डिक्रीज, हिस्टेरेसिस लॉसेस इज डिक्रीज, मैग्नेटाइजिंग करंट इज ग्रेटली इंक्रीज, एडी करंट इज इंक्रीज. सर ये एडी करंट इज इंक्रीज्ड. एक्चुअली आपका जब करंट आपका ट्रांसफार्मर को जब एयर गैप होगा तो फिर आपका क्या होगा, रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ इज डिक्रीज. नो, ये डिक्रीज नहीं होगा. no. क्योंकि ये इसमें इंक्रीज होता है. हिस्टेरेसिस लॉसेस इज डिक्रीज, हिस्टेरेसिस लॉसेस भी आपके डिक्रीज नहीं होंगे. जी सही है, क्योंकि आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है सर, सही है. और दूसरी बात यह है कि आपका जब रिलक्टेंस, जब आपका रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो इट मींस कि आपका फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया. कम फ्लक्स जब कम हो गया तो इट मींस कि आपका बी कम हो गया. सर एमएमएफ इज इक्वल टू फाइव म्यू आर और रिलक्टेंस इज इक्वल टू एल ओवर म्यू ए, ये लिखा है आपने. यस. अच्छा यहाँ पे क्या हो जाता है, जब आपका एयर कोर होगा तो इट मींस कि आपके जो हैं जो
रिडक्टेंस ऑफ मैग्नेट पार्ट इज डिक्रीज, वो तो कम हो जाएगा सही है, क्योंकि आपका म्यू कम होगा, सॉरी नॉट कम होगा, वो बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि म्यू कम होगा, म्यू एयर का क्या होता है, एयर का म्यू जो होता है वो फोर आई थिंक 4π × 10⁻⁷ होता है, तो ये काफ़ी कम होता है, ये परमिबिलिटी ठीक है सही है, तो ये कम होगा तो इट मीन्स कि आपका ये ज़्यादा है सही है, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, अगर इंक्रीज होता तो फिर ये सही था, हाइस्टेरेसिस लॉस ये डिक्रीज ये भी नहीं है, इंक्रीज होगा हाइस्टेरेसिस लॉसेस सही है, मैग्नेटाइजिंग करंट इज ग्रेटली इंक्रीज, मैग्नेटाइजिंग करंट इज ग्रेटली इंक्रीज, एक्चुअली ये क्यों होगा, ये इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि आपका फ्लक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्लक्स लीकेज फ्लक्स आपका इसमें ज़्यादा होगा, जब एयर कोर होगा तो एयर कोर मीन्स आपका लीकेज फ्लक्स ज़्यादा है, तो लीकेज फ्लक्स ज़्यादा है तो इट मीन्स के फ्लक्स की डिमांड बढ़ गई, ओके तो फ्लक्स की जब डिमांड बढ़ गई तो फ्लक्स कौन प्रोड्यूस करता है, आपका जो करंट इनपुट करंट होता है उसमें क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या करता है, ये आपके फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, तो इट मींस कि आपके मैग्नेटाइजिंग करंट की फ्लक्स की डिमांड बढ़ गई, तो मैग्नेटाइजिंग करंट इज ग्रेटली इंक्रीज, इसमें ये करंट होगा, ईडी करंट इज इंक्रीज नहीं, ईडी करंट इसमें इंक्रीज नहीं होगा, वो तो स्टेबल होगा, वो तो डिपेंड करता है थिकनेस पे, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, थिकनेस पे भी डिपेंड करता है सही है, तो वो तो कांस्टेंट होगा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, द मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी वोल्टेज, नन ऑफ द अबव। सर ये कोर में मैक्सिमम मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस, तो इसका क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, सर ओके ये वाला है F, ठीक है यस, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स का इसमें इनवर्स रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ओके एंड फ्लक्स, ठीक है एंड फ्लक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, द फ्लक्स इन द कोर ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज प्योरली अल्टरनेटिंग वर्क, प्योरली रोटेटिंग वर्क, पार्शियली अल्टरनेटिंग एंड पार्शियली रोटेटिंग वर्क, नॉन ऑफ द अबव। सर अल्टरनेटिंग वन ऑप्शन वन, प्योरली प्योरली अल्टरनेटिंग वन, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 12, ए ट्रांसफार्मर इज सो डिजाइंड दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैव हाई लीकेज रिएक्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस, टाइट मैग्नेटिक कपलिंग, गुड इलेक्ट्रिक कपलिंग। इलेक्ट्रिक कपलिंग तो होती नहीं है, लार्ज रेजिस्टेंस भी नहीं, हाई लीकेज रिएक्टेंस, टाइट मैग्नेटिक कपलिंग। When the primary of a transformer is connected to a DC supply, primary draws small current, primary leakage reactance is increased, core losses are increased, primary may burn out. DC supply, so primary may burn out. Yeah, so वो आपने बताया था, current increase हो जाएगा, वो increase हो जाएगा, दूसरी बात है कि short circuit हो जाएगा, तो short circuit, yeah, short circuit burn out हो जाएगा. Okay, ठीक है. An ideal transformer is one which has no losses and leakage reactance, which does not work, which has same number of primary and secondary turns, none of the above. Sir, no losses and leakage reactance. Yeah, an ideal transformer which has no losses and leakage reactance.
सर। ये तो हो ही नहीं सर सकता, यहाँ इंडिया में पे, नहीं हो सकता। इनको नो लोड ऑन लोड वाली कंडीशन के बारे में नहीं बताना चाहिए था कि नो लोड है या ऑन लोड है। क्यों? सर आइडियल के दो केसेस पढ़े थे ना हमने, एक ऑन लोड केस पड़ा था, एक नो लोड केस पड़ा था। तो ये इतने डीप नहीं गए उनमें, वो नो लोड ओके हो ठीक है, या नो लोड हो मैंने या जनरल जनरल पूछ रहे। या जब लॉसेस जीरो हो जाते हैं तो आपके आइडियल कंडीशन आ जाते हैं सिंपल। ठीक है सर, ठीक। एलो वोल्टेज आउटडोर लाइटिंग सिस्टम यूजेस ए ट्रांसफार्मर दैट स्टेप अप 120 डाउन टू 20 स्टेप डाउन 120 वोल्ट डाउन टू 24 वोल्ट फॉर सेफ्टी। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल लो वोल्टेज लैंप्स इज 9.6 ओम। व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल? एज्यूम द ट्रांसफार्मर इज आइडियल एंड देयर आर नो लॉसेस इन द लाइन। ओके, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मुझे वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज एट द प्राइमरी साइड एंड वोल्टेज एट द सेकेंडरी साइड मुझे गिवन है। ओके, और इक्विवेलेंट ओके रेजिस्टेंस ऑफ ऑल लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज लैंप्स के जो रेजिस्टेंस है वो भी मुझे गिवन है। लो वोल्टेज मींस कि गिवन 24 वोल्ट, इट मींस कि दिस इज द सेकेंडरी रेजिस्टेंस। ओके, व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल? ओके तो वी नीड टू फाइंड द करंट इन द सेकेंडरी, अज्यूम द ट्रांसफार्मर इज आइडियल नो लॉसेस एंड देयर आर नो लॉसेस इन द लाइन। तो जब कोई लॉसेस नहीं है और कोई लॉसेस नहीं है तो आपके इट मींस कि आपका आई टू क्या हो जाएगा, आई टू आपने सिंपल ओम लॉ से करना है, वी टू बाय आर टू हो जाएगा। तो आई टू करंट आपका, वी टू क्या है इन दिस केस, दैट इज 24, आर टू आपका 9.6 है। तो 24 डिवाइड बाई 9.6 कर लो, इससे क्या आता है? सर 2.5। 2.5 एम्पीयर, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल? सो नाउ वी नीड टू फाइंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ओके, बट प्राइमरी साइड पे तो इस तरह रेजिस्टेंस मुझे अवेलेबल नहीं है। ओके, नहीं है तो हम इस तरह कर लेते हैं कि ये बट करंट मेरे पास आ गया सेकेंडरी साइड पे, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अच्छा वोल्टेज वी वन डिवाइड बाई वी टू बात इज इक्वल कर टू आई टू डिवाइड बाई आई ला वन। तो वी वन मेरे पास के 120 है, डिवाइड बाई वी टू क्या है, दैट इज 24, 24 आई टू मेरे पास टू आई पॉइंट फाइव टू टू आई पॉइंट गया फाइव आई वन। तो आई वन आपका जगह 2.5 टाइम्स 24 कर लो, इससे क्या आता है सर 2.5 टाइम्स 24 या तो डिवाइड किसे करना है 120? 120 सर 0.5। सो इससे आपके पास 0.5 आ जाएगा, 0.5 एम्पीयर। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, इन क्वेश्चन 15 हाउ मच पावर इज यूज्ड? सो फॉर दिस वी नीड टू फाइंड द पावर। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपका जो पावर होता है वो डिपेंड करता है पावर फैक्टर पे। ओके पावर फैक्टर ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। ओके, कि लोड में क्या कनेक्ट है, लोड में अगर से सिंपल रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो इट मींस कि आपका पावर फैक्टर यूनिट ही होगा इसके लिए। अगर लोड में कोई इंडक्टर भी कनेक्ट है तो इट मींस कि आपका पावर फैक्टर जो होगा वो लैगिंग होगा। अगर लोड में आपका कैपेसिटर कनेक्ट है तो इट मींस कि आपका पावर फैक्टर लीडिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको भी देखना है कि हमारे पास लोड कौन सा है। तो यहाँ पे देख लो, तो पावर यहाँ पे इन्होंने लोड आपको गिवन है 9.6 ओम। ओके, तो इट मींस कि मेरे पास रेजिस्टिव लोड है। ओके, लैंप मैंने कनेक्ट किया उसका रेजिस्टिव लोड है, तो इट मींस कि मेरे पास पावर फैक्टर यूनिटी है। तो पावर फैक्टर आपको यूनिटी है, तो पावर फैक्टर मींस कि मेरे पास कॉस फाई मेरे पास यूनिटी है। तो पावर किसकी इक्वल होता है, आई वी कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो कॉस थीटा आपका वन हो जाएगा, करंट एट द सेकेंडरी साइड, वोल्टेज एट द सेकेंडरी साइड आपने लेना है, तो वोल्टेज एट द सेकेंडरी साइड इज 24, करंट एट द सेकेंडरी साइड इज 2.5 एम्पीयर। तो ये फाइंड कर लो, इससे क्या आता है 2.5 टाइम्स 24, इससे क्या आता है? 2.5 टाइम्स 24 या 60 60 वाट।
सही है। सो इज देयर एनी ऑप्शन, या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, ये पॉइंट सर बताइएगा कि हमने रेजिस्टिव लोड कैसे देखना है, लैगिंग और लीडिंग। इन्होंने सर अगर इफेक्टिव लोड नहीं दिया हेनरी में, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ओके तो सर अगर इंडक्टिव लोड होता तो फिर हमारा पावर फैक्टर यूनिटी नहीं होना था, या यूनिटी, और यहाँ पे रेजिस्टिव लोड है इस वजह से पावर फैक्टर यूनिटी आया है। यस यस ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ए ट्रांसफार्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80% एंड वर्क एट 100 वोल्ट 4 किलोवाट। If the secondary voltage is 240 volt, find the primary current. So we need to find I1. Okay, acha. Mujhe efficiency kitni given hai? That is 80%. 80%. Yes. Work at 100 volt. So it means ki mere paas V1 kitna hoga? So V1 100 volt. Yes. सर ये पावर है 4 किलोवाट। I1 मेरे पास 4 किलोवाट है। 4 किलोवाट को मैं P1 भी ले सकता हूँ, P2 भी ले सकता हूँ, क्योंकि आपका पावर सेम होता है दोनों साइड पे। सेम होता है। ओके ओके ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज उन्होंने मुझे दिया है कि आपको सेकेंडरी वोल्टेज 240 वोल्ट होगा। फाइंड द प्राइमरी करंट। यस, तो प्राइमरी करंट मींस केस में हमारे पास 20% लॉसेज हैं। ओके, एफिशिएंसी 80% मींस केस में 20% मेरे पास लॉसेज हैं। लॉसेस हैं जी सर। ठीक है सही है। तो पावर मुझे गिवन है 4 किलोवाट। सही है। तो पी आपका क्या हो जाएगा? I1 cos phi 1 कर लो। सही है जी। तो आपका ये क्या जाएगा? पावर फैक्टर उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन मैं इसको 1 एज्यूम कर लेता हूं। ओके सर, 1 एज्यूम करेंगे। इससे आपका I1 40 आ जाएगा। जी तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा I1 40 एम्पीयर। अच्छा, जब आपको पावर फैक्टर गिवन ना हो तो आप 1 एज्यूम कर लिया करो। जब आपको लोड गिवन ना हो, स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन ना किया हो, तो आप 1 एज्यूम कर लिया करो। ओके सर, ये आप कॉस फाई की जगह पे 1 लिखते हैं या फाई की जगह पे 1 लिख के कॉस 1 कैलकुलेट करते हैं? कॉस फाई की जगह आप 1 लिख लिया करो। 1 लिख लिया कर, ठीक है सर। yes. करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द सेकेंडरी करंट। सो नाउ इन दिस केस वी नीड टू फाइंड द सेकेंडरी करंट। मैंने आपसे कहा था कि आपका जो पावर होगा वो सेम होगा। सही है। तो पावर प्राइमरी साइड तो आपका 80% होगा। सॉरी, दिस इज द प्राइमरी साइड। यहाँ पे आपने पावर कितना दिए? P1 दिए। यहाँ पे आपको पावर कितना मिला? वो आपको P2 है। एक्चुअली यहाँ पे 20% लॉसेज हो गए, तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिला? 80। अगर आपने यहाँ से 100 वाट पावर दिए तो आउटपुट आपको okay. क्या मिला? 80 वाट मिला। 20 वाट उसमें लॉस हो गया लॉसेज में। सही है। तो आपके एफिशिएंसी कितना बना? 80% बना। 80 डिवाइड बाय 100 टाइम्स 100, तो इट मींस कि आपके एफिशिएंसी 80% है। ओके, तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 4 किलोवाट का 80% निकाल लेता हूँ और फिर रिए फार्मूला यूज कर लेता हूँ। 4 किलोवाट का 80% निकाल के मैं इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। सेकेंडरी साइड पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि P2 विल बी इक्वल टू I2 V2 cos phi 2। सही है। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। करंट एट द सेकेंडरी, वोल्टेज एट द सेकेंडरी साइड क्या है? वो 240 वोल्ट है। एंड नाउ वी नीड टू फाइंड करंट एट द सेकेंडरी साइड। पावर क्या है? P2 आपका 4 किलोवाट है, तो 4 टाइम्स
10 की पावर 3 हो जाएगा, 4000 टाइम्स 80% इसके निकाल लो तो आपके पास आ जाएगा I2, आपके पास आ जाएगा ये 80% से 0.8 आ जाएगा 4000, तो ये 13.3 डिवाइड बाय 240, ये कलर से क्या आता है? 13.33 आ रहा है, 13.33 एम्पियर, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 0.8 मल्टीप्लाई बाय या ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। ओके ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20, इफ 2200 वोल्ट 220 किलो वोल्ट एम्पीयर आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 66 टर्न्स इन द सेकेंडरी द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज, अच्छा उन्होंने आपको वोल्टेज गिवन है, एक्चुअली मेरे पास जो रिलेशन है वो क्या है कि आपका N2 डिवाइड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाय V1, तो उन्होंने 66 टर्न्स एट द सेकेंडरी, तो N1 आपका क्या हो जाएगा, N1 आपका हो जाएगा N2, N2 इज 66, V1 क्या है दैट इज 2000 और आपका प्राइमरी साइड पर वोल्टेज 200 है, तो आपका N1 क्या हो जाएगा 660 आ जाएगा। ओके सर फार्मूला में कैसे वैल्यू पुट की ये नहीं समझ आया, सर 2000 डिवाइडेड बाय सर 2000 डिवाइडेड बाय 200 ये हमारे पास क्या है N2 डिवाइडेड V2 डिवाइडेड बाय V1 है, यस ओके ठीक है, ये वैल्यू है दिस इज V1 डिवाइडेड बाय 2, एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। अच्छा ठीक है सर समझ आ गई। इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द फुल लोड सेकेंडरी करंट, सो वी नीड टू फाइंड द फुल लोड सेकेंडरी करंट। ओके जी, फुल लोड सेकेंडरी करंट मींस के 20 किलो वोल्ट एम्पीयर का आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो इट मींस के इस पे लोड कितना होगा 20 किलो वोल्ट एम्पीयर होगा, तो आपका I2 क्या हो जाएगा पावर डिवाइड बाय वोल्टेज, यहाँ पे मुझे लोड का इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दिया तो मैं पावर फैक्टर को 0 ले लेता हूँ। ओके तो आपका I2 क्या हो जाएगा, पावर कितना है 20 किलो सर, पावर 20 किलो वोल्ट एम्पीयर इनटू जी डिवाइड बाय 200 पी 2 सर 200 और पावर फैक्टर सर 1, तो इससे आपके पास 100 आ रहे हैं, तो I2 आपका क्या हो जाएगा 100 एम्पीयर 100 100 ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो इट मींस कि हमने कुछ मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। सर 21 कर रहे हैं ना, 21 में 104 ऑप्शन देखे। यस दिस इज एक्चुअली, अच्छा सर 4 कर रहे हैं, 21 कर रहे हैं, तो 21 मुझे लगा ये, तो दिस इज नहीं सर, वो तो टर्न्स हैं, टर्न्स पॉइंट किए हमने 660। यस फुल लोड सेकेंडरी करंट आपका ये 100 एम्पीयर आ जाएगा जी सर। इसके नेक्स्ट फुल लोड प्राइमरी करंट 20, व्हाट इज द फुल लोड प्राइमरी करंट, सो इन दिस क्वेश्चन वी विल नीड टू फाइंड द प्राइमरी करंट। तो फुल लोड प्राइमरी करंट अब क्या हो जाएगा I1, I2 कितना है 100 एम्पीयर आए और N2 कितना था, N2 आपका 66 टर्न्स थे और N1 क्या था दैट इज 660 थे। ओके तो 10 आ जाएगा 10 एम्पीयर करंट। क्वेश्चन नंबर 23, द नो लोड
द नो लोड रेशो ऑफ ए 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 6000 डिवाइड बाई 240 वोल्ट. द मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर इज 0.06 वेबर. वट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स. सो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स. तो एक्चुअली हमारे पास एक रिलेशन था कि आपका जो EMF होता है दैट इज इक्वल टू 4.44 n f for frequency and flux, number of turns and flux. Okay, flux. So flux आपका primary या secondary side phase constant होता है और आपका जो frequency है वो भी constant होता है. Okay, और 4.44 भी आपका constant रहता है. तो यहाँ पे आपका EMF at the primary side क्या हो जाएगा, that is depend on the number of turns. तो ये number of turns आपके change होंगे. इसी तरह आपका E2 क्या हो जाएगा, वो आपका 4.44 F एंड 2 फ्लक्स हो जाएगा. ओके, तो चेंजेस कहाँ पे आएंगे, सिर्फ EMF और N में चेंजेस आएंगे. सही है, यस. तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स. सो वी विल यूज दिस फार्मूला. सो E1 क्या होगा इस केस में, 6000 होगा डिवाइड बाय 4.44. फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज गिवन है. फ्लक्स क्या है, फ्लक्स आपको 0.06 वेबर गिवन है. ओके, दैट्स इक्वल टू एन वन. ये आपका एन वन हो जाएगा. ओके जी, सो इसको कर लो, यू विल गेट द नंबर ऑफ टर्न्स एट द प्राइमरी साइड. तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अब इस तरह कर लो कि 250 डिवाइड बाय ये कर लो 4.44 टाइम्स 50 टाइम्स 0.06. ओके, कर ये E2 के लिए आप करवा रहे हैं ना, पहले E1 था. यस, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है 18.76. तो ये 19 बनेगा. यस ठीक है. Iron core inductor is connected to a 100 volt 50 hertz source. The maximum flux density in the core is 1 weber per meter square. The cross sectional area of the core is 0.152 meter square, 0.345 meter square, 0.056 meter square, 0.0225 meter square. So, question number 25. A 20 turns iron core. Okay, so it means कि मेरे पास जो turns हैं वो कितने हैं, वो 20 हैं. Okay, 20. अच्छा, इन्होंने कोई information नहीं दिया तो मैं n से represent कर लेता हूँ. Okay, connected to इतना volt source. So E1 आपके क्या हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा. और frequency F1 जो कि frequency same होता है, लेकिन मैं वैसे इसको represent कर लेता हूँ, source उन्होंने दिया. The maximum flux density in the core is, so maximum flux density kitna hai, that is 1 weber per meter square hai, sahi hai. The cross sectional area of the core is, so we need to find the cross sectional area. Okay, to yahan pe humne kya karna hai, yahan pe humne flux bhi mere paas hai. Okay, to area, to flux mere paas kiske equal hota hai, flux aapko equal hota hai b flux, flux is equal to b dot a या ए. लेकिन यहाँ पे मुझे फ्लक्स गिवन है, बी गिवन नहीं है, तो बी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. बी गिवन, यस. तो ठीक
maximum flux density is given to me, that is 1 weber per meter square. This is not flux, this is B. B, okay. Okay. अच्छा मुझे ये गिवन है, ये नहीं गिवन, फ्लक्स गिवन नहीं है, तो एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज 4.44 n phi n, यहां से हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 4.44, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको 20 गिवन है, सो दिस विल गिव यू फ्लक्स. तो फ्लक्स फाइंड करने से क्या आता है? हंड्रेड डिवाइड बाय 4.44 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 20 0.056. सो फ्लक्स आपके पास 0.056, उसको मल्टीप्लाई बाय एरिया 0.056 डिवाइड बाय 1 कर लो, सो दैट इज इक्वल 0.056. तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा. ओके सर, ठीक है, एरिया निकालना था ना हमने. यस, एरिया निकालना. दे हैवंट टोल्ड अस व्हिच सब्जेक्ट, दे हैवंट गिवन अस द डेट शीट, बट द टीचर जस्ट टोल्ड अस इन क्लास, बट एवरी टाइम आवर फर्स्ट एग्जाम इज ऑलवेज मैथ्स, सो आई थिंक अगेन आल्सो मैथ्स. And syllabus will be chapter 13, 14 and exercise 9D, right? Yes. Achha. How many days your exam will be? Two weeks, I think. 2 weeks. Okay, so today we will start the next questions. Okay, इसमें question number F थोड़ा सा complex है, so let's do it. Okay, question number ये भी easy है, this is also easy. Okay, but this is okay, this will be your homework. Okay, for tomorrow 3 p.m. class. Okay, question number one part F. क्या करना है इसमें वैसे, व्हाट डू यू थिंक, माइंड क्या कहता है आपका? फर्स्ट फाइंड द बेस एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ओके, तो बेस एरिया इज इट ट्रायंगल, you can divide it into a rectangle and triangle. Okay, so this will be rectangle, good. This will be rectangle and this is triangle, this is rectangle. Okay, so that should be triangle plus rectangle, so triangle area is half 18 times 12. Half 18 times 12? Yes. Is it 12? Nine, yes. Actually, this is now, this is your height. Okay, so this would be 12 minus 3, that's 9, plus rectangle area is 18 times 3, good. So इनको आपने solve करने, you will get the base area. अच्छा base area फिर क्या करना है इसके बाद? We need to find the volume. Times it by 35. Yeah, इनको आप times 35 कर लो, okay? So you will get volume. Good. So it means you got the concepts behind all these questions. Next question की तरफ चलते हैं. तो okay, we need to complete this table. Okay, this diagram is given to me. Okay,
and AB side is 3 cm, BC side is 4 cm, CD side is 7 cm. Area of ABC, then volume of the prism. ये भी इजी है, क्या करना है यहाँ पे, लाइक जस्ट गिव मी डेमो. हाफ 3 into 4. ओके, देन फॉर वॉल्यूम, फॉर एरिया हाफ 3 into 4, एंड देन फॉर वॉल्यूम हाफ 3 into 4 टाइम्स 7. गुड, या सो फ्रॉम दिस वी विल गेट दिस. अच्छा, पार्ट डी को कर लेते हैं. ए बी साइड इज गिवन टू यू, दैट इज 24.6 सेंटीमीटर. BC side is also 7.8 cm. CD side is unknown. CD area is also unknown. Okay, this area is also unknown. Volume of prism is given to you, that is 3876 cm cube. So kya karna hai yahan pe? Volume equals AB times BC times CD. Okay. Right. Volume is equal to half AB times BC times CD. Then. Sir, why half? Actually, this is triangle. So we need to find the area. This is the area of the triangle. Oh, okay. So area times this side will give you volume. Area आपके क्या होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, टाइम्स मीटर कर लो. ओके, दिस साइड, सो यू विल गेट मीटर क्यूब, एंड मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम. ओके, एंड मल्टीप्लीकेशन द पावर शुड बी एडेड. So you will get meter cube. Okay, so that will be volume. Okay, so AB side is given to you. So what you will do? Volume equals half times 24.6. No. Wait. Take CD on the other side. And then 36,000 divided by the area, the AB and BC. Okay, volume is given to you, that is 38376, right? Divided by that's equal to 1 divided by 2. AB side is given to you. AB side is 24.6 times BC side is 7.8. CD side is not given to you. So that is CD. Achha, ab kya karne yahan pe? Inko simplify karne. We need to find the value of CD. So if there is an equal sign, okay, if there is an equal sign, and if you want to bring 2 over here, so yahan pe 2 kya hai, jis tarah if this is positive 2 and if you want to bring this toward the left side of this equal sign, then this will become minus 2. If this is minus 2, then this will become plus 2. Okay, if this is divided by 2, then this will become multiply by 2. If this is multiply by 2, then this will become divide by 2 over here, okay, on left side of the equal sign. So yahan pe dekh lo, ab yahan pe hum isko apply kar lete hain in sare concepts ko. Yahan pe dekh lo, to this will be 38376. Here 2 is इन द डिवीजन, यहाँ पे 2 आपका डिवीजन में, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम मल्टीप्लीकेशन.
यहाँ पे 24.6 आपका अननोन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी 7.8 आपका अननोन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7.8 हो जाएगा, डिवीजन में आएगा, सी डी अपनी जगह पे रह जाएगा। नाउ यू विल सिंप्लीफाई दिस, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर। 2 times 1 is 2, 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4, 2 times 3 is 6, 2 times 1 is 2, 2 times 9 is 18, 2 times 1 is 2, 2 times 8 is 16, 2 times 8 is 16, 2 times 3 is 6, 2 times 9 is 18. ओके, अब इसको कर लेते हैं। सो 38 सो 19188 डिवाइड बाय, सो यू विल गेट 400। ओके, सो योर सी डी विल बी इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ओके, दिस विल बी 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हाउ यू नो 400 सेंटीमीटर नॉट स्क्वेयर, ओके, दिस इज साइड नॉट एरिया। अच्छा, हाउ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, हेलो, यस, हाउ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, यू विल half into 24.6 into 7.8. good, yes. Acha, question number 3, acha kya karna hai yahan pe, you have to find the volume. Yes, you need to find the volume without taking into consideration the thickness of the wall and the roof. Find the area space in the hall. So just you need to find the volume. Two trapeziums and add them. Two trapeziums? Okay, like this? Yes, find the area of them and add them for the base area. Okay, so what will be the base? Okay, let's find the first trapezium. So, trapezium area will be equal to, half 20, half 21 times, so 21 times 38. And then, yes, and then you have to add the, you have to add 38 and 23. Yes, 38 and 23, like this, right? It will be like this. Right? Yes. Yes. This will be your height, right? Yeah. Actually, this is the length of the two parallel, yes, sides. So this is the length of the two parallel sides. Okay. सही किया आपने, good. Parallel sides को आपने add करने. So this side is parallel to this side. So you will get that. Okay. तो इनको आप
या ऐड कर लो या मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, सो यू विल गेट दिस कंप्लीट एरिया. ओके, वॉल्यूम के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 80. यस, गुड. अच्छा ये भी इजी है. ओके, अच्छा फॉर दिस वी विल नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. So we will need to find the total surface area for question number 4. So let's do part B. What do you think? What we will do? First, divide the shapes. Divide the L into 2 rectangles. Okay, so this will be 2 rectangles. And then find the area of all of the sides. Yes, we'll need to find the area of all these sides. Okay. Volume के लिए तो easy हो जाएगा. आपने base area find करने, उसको फिर multiply करने 9 के साथ. So you will get the volume. But for total surface area, we will need to find the area of all these surfaces. So let's find the area of all the surfaces, like surface area. So that's equal to do I have to tell? Yes. Okay. 7 times 2 plus 6 times 9 plus 9 times 5. No, not 9 times 5. Oh, yes. Okay, no. Wait. 6 times 9 times 2 times 9. And then 5 times 2, 9 times 2. 5 times 2, this is 2? Yes. How? Because of the thing above. Nine is this length. This length is, I think you will take 7 minus this length. 7 minus this length, and this length is equal to 6. This length is equal to 6. So 7 minus 6 will give you this length. What do you think? ये सही किया मैंने कि नहीं, आपको क्या लगता है? Yes. या पैरेलल साइड्स देखने हो क्या आपने? लाइक रेड लाइन को देख लो, तो रेड के पैरेलल पे कौन सा साइड है? दैट इज 6 सेंटीमीटर. सो अगर वो मैं यहाँ पे ले आऊँ, सो 7 माइनस 6 विल गिव मी 1 सेंटीमीटर. सो 5 टाइम्स 1 हो जाएगा. ओके, यू शुड बी वेरी केयरफुल इन ऑल दीज थिंग. अच्छा अब क्या करना है? ये तो साइड्स आ गए, 9 टाइम्स 6 ये साइड भी हो गया. अब टाइम्स ऑल ऑफ देम, नाउ टाइम्स ऑल ऑफ देम विद 2. यस, टाइम्स ऑल ऑफ देम विद 2, बट आई थिंक यहाँ पे एक और सरफेस रह गया है हमसे. ओ द नीचे वाला नहीं, ये ये हो गया, ये भी हो गया. ओके, ये भी हो गया आपका, राइट? ये भी हो गया, राइट? द 9 सेंटीमीटर्स वन, यस. ये वाला रह गया. आई थिंक ये तो हमने कर लिया है या नहीं किया? आई थिंक
वेट, 9 टाइम्स 2 यह हो गया, ये साइड ऊपर भी हो गया, 7 टाइम्स नो 5 टाइम्स 1 ये भी हो गया, ये साइड कितना था, 6 टाइम्स दिस इज 2, 6 टाइम्स 2 नहीं 7, तो ये आपका कंप्लीट था, वी नीड टू फाइंड दिस वन, ऊपर आपका दिस इज 9 एंड दिस इज 2, तो 9 टाइम्स 2 ये आपका फर्स्ट वाला हो गया, ये वाला। अच्छा ये साइड आपका 5 टाइम्स 1 भी हो गया, ये भी हो गया, इतना हो गया आपके लिए साइड। अब ये मेरे पास 6 है एंड दिस इज 2, सो 6 टाइम्स 2 रहता है, सो ये साइड भी हो गया आपका। अच्छा अब 9 टाइम्स क्या करना है, दिस इज कितना था, ये आपका 1 था, तो 9 टाइम्स 1 भी करना है, ये भी आपका हो गया। अब मेरे पास 6 टाइम्स दिस इज 9, 6 टाइम्स दिस, सो ये भी आपका, तो 6 टाइम्स 9 भी हो गया आपका, ये वाला। ये 7 टाइम्स 2 हमने गलत किया था। अब कौन सा रह गया, अब ये रह गया, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 5, सो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दिस इज 3 सेंटीमीटर, ये आपका 5 है और ये आपका 2 है, तो 5 माइनस 2 इज 3 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना है, इज इट 3 टाइम्स 9? 9। अच्छा अब क्या करना है, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके बैक साइड पे भी वही सरफेस होगा, ओके राइट, यस यस, तो 6 टाइम्स 9 इज 54, इनको आप 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट फर्स्ट वी विल नीड टू ऐड ऑल दिस। अच्छा इनको ऐड कर लो, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर, कि इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्विमिंग पूल इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड, इट इज 1.5 मीटर डीप एट द शेलो एंड एंड 2 मीटर डीप एट द अदर एंड, सो दिस इज 2 मीटर, दिस इज 1.2 मीटर, ओके दिस इज 25, दिस इज 50, दिस इज 50.01 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल व्हेन इट इज फुल, द एरिया ऑफ द पूल व्हिच इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर, सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल व्हेन इट इज फुल, सो व्हाट यू विल डू, यू विल नीड टू फाइंड द वॉल्यूम, सो ये क्या है, क्या करना है इस यहाँ पे, this length is 50. trapezium, good, so this is a this is your trapezium, the area of that times 25 and 50, or just 50? Okay, so so this will be 1 divided by 2 times, this
this is 90 degrees, so this would be 90 degree. This will not be equal to 90 degree because ये slope है, ये आपका कुछ इस तरह होगा. It will be look like this. So this angle is not 90 degree, but this angle is given to that is 90 degree, and this side is अच्छा this will be 90. अच्छा the ये यहाँ पे आपने क्या लेना है, वन वन डिवाइड बाई टू टाइम्स 50 करना है. ओके, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन बिटवीन टू पैरेलल साइड इज योर हाइट, सो दिस विल बी 50 टाइम्स 1.2 प्लस 2 मीटर करना है आपने. Okay, we need to find the volume. So that should be equal to 1.2 plus 2. अच्छा ये आपको समझ आ गया कि नहीं? जी. यस, एक्चुअली यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि यू विल टेक 50 और 50.01. ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर देता हूँ. एक्चुअली उन्होंने एक माइनर इन्फॉर्मेशन आपको दी है. ओके, लाइक इफ आई गिव यू दिस इन्फॉर्मेशन, लाइक दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड. ओके, तो इट मीन्स कि आगे टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, दिस टू साइड विल बी पैरेलल. And if I say that this line join these two, okay, these two parallel side, and this angle is 90 degree. So what will be this angle? ये क्या होगा? This is 90 degree angle. ये angle क्या होगा? Perpendicular. Yeah, ये भी perpendicular होगा. Okay. जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इट मींस कि यहाँ पे जो एंगल है दैट्स विल बी दिस एंगल, सो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री. बट इन क्वेश्चन दिस एंगल इज नॉट गिवन टू यू, दे ओनली गिव यू दिस एंगल. सो इन ट्रेपीजियम हम क्या करते हैं, यू विल ऐड टू पैरेलल साइड्स, सो दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द हाइट, हाइट क्या होगा, 50.01 होगा या 50 होगा? तो यहाँ पे देख लो, तो ये एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री, ऊपर लाइन का एंगल गिवन है 90 डिग्री, तो इट मींस कि ये एंगल भी आपका 90 डिग्री होगा, दिस एंगल. ओके, तो इट मींस दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट, सो दैट इज 50 मीटर. तो ये आपने हाइट को 50 लेना है. इट मींस कि दिस लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू दीज टू पैरेलल साइड्स. ओके, ये इन्होंने यहाँ पे मार्क किए हैं, तो दिस मार्किंग शो दैट द एंगल इज 90 डिग्री. ओके, तो 50 आपने यहाँ पे लेना है. ओके, अच्छा, सो दिस विल बी इक्वल टू 25 टाइम्स 3.2 हो जाएगा, तो 25 टाइम्स 3.2 से क्या आता है, दैट्स इक्वल टू 80, इससे आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर
अब वॉल्यूम हमने फाइंड करने, तो टाइम्स क्या कर लूं? फॉर वॉल्यूम व्हाट आई 50 50, व्हाई आई फाइंड दिस दिस एरिया 25, सो दैट विल बी इक्वल टू 2000, ओके, मीटर क्यूब. सो दिस विल बी द वॉल्यूम, द एरिया ऑफ द पूल व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द वाटर. सो वी विल नीड टू फाइंड द एरिया of the pool which is in contact with the water. So what do you think, what we will do? We need to find the area of the pool which is in contact with the water. Okay, so it means ke simple, you will need to find the surface area. Okay, समझ आ गया आपको? उन्होंने काफी conceptual question को बना दिए. You will need to find the surface area, क्योंकि सारे surfaces that will be in contact with the water. Okay. So surface area, so what you will do, how you will find the surface area, first of all we will start from this. So ye surface kya ho jayega, ye kya ho jayega, 50 times 25 plus ye area to humne find kar liya, that is 2000. No, not 2000. That is 80. ये तो हमने ट्रेपीजियम के एरिया जो अभी फाइंड किया वो हो गया. What about this one? 2 times 25. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा वो आपने कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे हमारे पास जो ये सरफेस है इसी तरह इसके नीचे नहीं है. ओके, दे दिस इज स्लोप, दे इज ए स्लोप. ओके, सो इट मींस के जिस तरह हम यहाँ पे लेते थे ये सरफेस हम फाइंड कर लेते थे, और इसके बैक साइड पे भी इसी तरह का सरफेस है. सो दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. बट इन दिस केस यू विल नॉट मल्टीप्लाई इट बाय 2 बिकॉज दिस सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बेस सरफेस. ओके, ये देख लो, तो ये आपको ऊपर ये एरिया है, नीचे आपका डिफरेंट होगा, दिस एरिया विल बी डिफरेंट. सो वी विल फाइंड सेपरेट सरफेस एरिया फॉर दैट साइड. ओके, अच्छा ऊपर आपका क्या हो गया, 50 times 25, ये तो सही हो गया, दिस इज वन साइड. ओके, इसको मैं 2 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, क्योंकि इसके नीचे बैक साइड पे इस तरह का सरफेस नहीं है, बल्कि दैट इज डिफरेंट. ओके, अच्छा फिर आपका ये हो गया, ये एरिया हमने फाइंड कर लिया था ट्रेपीजियम के एरिया, सो दैट इज इक्वल टू 80. लेकिन इसी तरह का साइड उस साइड पे भी है. ओके, इफ यू थिंक अबाउट दिस, ये एरिया इसी तरह के एरिया इसके उस साइड पे भी होगा. Got it? So you can only multiply 2 for the trapezium. Yeah, multiply 2 for the trapezium. क्योंकि you will either add it 82 times, 80 plus 80 कर लो, या इस तरह कर लो कि 80 times 2 कर लो. चलो 80 plus 80 कर लेते हैं ताकि आपको ईजी हो. 80 plus 80, ओके, 80 is for this surface, and इसी तरह का surface यहाँ पे भी है इस साइड पे. ओके, इफ यू लुक एट फ्रॉम दिस रीजन, तो यहाँ पे भी एक साइड होगा, इसी तरह का ट्रेपीजियम होगा. ओके, सो दैट्स विल बी 80. गॉट इट? Yes. Any confusion? If you have any confusion, you can ask. No. दोबारा समझा दूं? मुझे समझ आ गई है. Okay, good. अच्छा अब ये मैंने find करना है. So I think this is rectangle. तो ये side कितना है? 2. 2?
Oh, ये 25. या 25 टाइम्स टू. टू. गुड. अच्छा, इसी तरह का सरफेस यहां पे है कि नहीं? है सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय टू. लेकिन या लेकिन, नो, 1.2. या लेकिन इसलिए आपने ये नहीं लिया क्योंकि इसका एरिया डिफरेंट फ्रॉम दिस सरफेस एरिया. गॉट गॉट इट. पॉइंट आपको समझ आ गया इसका कि नहीं? यस. या वो सरफेस डिफरेंट है, सो यू विल यस नॉट मल्टीप्लाई इट बाय टू. ओके, यू विल नॉट मल्टीप्लाई इट बाय टू, या यू विल नॉट एड इट अगेन ओवर हेयर. यहाँ पे हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये सरफेस. अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सरफेस भी हो गया इस साइड पे, ये भी हो गया, बेस रहता है और ये रहता है. तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला, ये इस तरह का कुछ होगा. 25 times 1.2. या 25 times 1.2. गुड. अब बेस करेगा तो बेस के लिए हमने क्या करना है? 50.01 times 25. गुड. 50.01 times 25. इन सब को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ या नहीं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं. गुड, नहीं करना चाहिए. ओके, सो फ्रॉम दिस यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया. सो लेट्स फाइंड इट. 50 times 25, दैट विल बी गुड. 1250 plus 80 plus 80 plus 25 times 2 is 50 plus 25 times 1.2 plus 50.01 times 25. So you will get 2740.25. अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट भी है. ए स्विमिंग पूल इज 50 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर वाइड, एंड इट इज 1.5 मीटर डीप एट द शेलो एंड एंड 2 मीटर डीप एट द अदर एंड. सो इट मींस के देयर इज वाटर लाइक दिस. यहाँ पे आपके जो पानी है ना, वो कुछ इस तरह का है. ये सारा एरिया आपका वाटर में है, इससे ऊपर जो है वो वहाँ पे वाटर नहीं है. सो इट मीन्स वी विल नीड टू फाइंड ऑल दिस दिस वी विल नीड टू फाइंड द बेस एरिया. ओके, बेस एरिया दैट इज दैट वी ऑलरेडी फाइंड इट. ओके, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेस दिस टाइम्स दिस हो जाएगा. तो 50 टाइम्स, अच्छा बेस एरिया क्या हो जाएगा, लेट्स फाइंड इट अगेन. सरफेस एरिया इज गुड, बेस एरिया 50.01 times 25 हो गया प्लस 50.01 times 1.2 हो जाएगा. ओके, तो इसी तरह का सरफेस उस साइड पे भी है, तो इसको हम दोबारा कर लेते हैं. 50.01 times 1.2. ओके, सो बेस भी हो गया, ये साइड भी हो गया, इसके ऑपोजिट यहाँ पे ये साइड भी हो गया, वो वाला साइड रहता है. तो दैट इज ट्वेंटी फाइव टाइम्स 1.2 हो जाएगा. तो ये साइड भी हो गया, ऊपर साइड हमने नहीं लेना बिकॉज दैट इज़ नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर. ओके, आपका वाटर इतना है यहाँ पे, तो ये ले लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, वो सेम होगा उसके 1.2 times 25, क्योंकि दिस इज 1.2, दिस इज 25.